देखो, आपने लेक्चर सेकंड के अंदर आपने पढ़ा था कि जो आइडेंटिटी आपने देखी थी, जैसे ए प्लस बी सारे का होल स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटी हमने यूज़ की थी, एक थी ए माइनस बी सारे की पावर टू और एक थी हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी हमने यूज़ की थी, ये सेवन्थ क्लास के लिए आइडेंटिटी थी, ठीक है। तो बट देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो एट्थ क्लास के अंदर जो आएगा, वो सम ऑफ आइडेंटिटी अदर्स जो यूज़ करेंगे। देखो, इसके अंदर हम कैसे बताया था, इसको एक्सप्लेन भी किया था हमने, ए का स्क्वायर करते हैं प्लस टू ए बी, जो ए और बी जो वैल्यू दे रखी है, प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे साइन किसका आ गया, माइनस का आ गया। तो अब देखो, ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी की पावर टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको कुछ भी वैल्यू दे रखी मिलेगी, ये हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें क्या आएगा, एक बार तो दोनों को ऐड कर लेंगे और एक बार दोनों को माइनस करेंगे। एक बार तो ए प्लस बी कर लेंगे, एक बार ए माइनस बी करेंगे। तो ये आपकी आइडेंटिटी थी। बट एट्थ क्लास के लिए क्या आएंगी, सम अदर आइडेंटिटी, अदर आइडेंटिटी जो है वो आगे यूज करेंगे हम। उसके अंदर हमारे पास क्या मिलेगा, देखो, फर्स्ट जो है इसके अंदर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये आइडेंटिटी आपकी फर्स्ट जो आइडेंटिटी है वो क्या आपकी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसके अंदर हमें देखो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जैसे हमने ये आइडेंटिटी भी एक्सप्लेन की थी, उसी प्रकार से हम एक जो आपका ब्रैकेट है उसको एज इट इज रखेंगे। इस ब्रैकेट के हमारे पास जो भी दो टर्म्स हैं उनको हम लेके चलेंगे। क्या है हमारे पास, एक्स है। एक्स क्या करेगी, इस पूरे ब्रैकेट जो गिवन दे रखा है, इस ब्रैकेट के साथ उसकी क्या करवाएंगे हम, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो एक्स प्लस बी, देखो अंदर इसके अंदर इस ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वही साइन यूज़ करेंगे। किसका साइन है, प्लस है, तो प्लस का साइन यूज़ कर लेंगे। जो ए है, ए मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए बी। तो इस प्रकार से देखो हमने इसको ओपन कर लिया। अब आपके पास देखो क्या आ गया, एक मोनोमियल टर्म, एक बिनोमियल टर्म, एक मोनोमियल टर्म, एक बिनोमियल टर्म मल्टीप्लाई कर रही है आपस में। तो इसको एक्सप्लेन कैसे बताया था मैंने, लास्ट वीडियो में बताया था कि ये एक बार तो इस एक्स से करेगा, एक बार इस बी के साथ करेगा। तो आपको इसके अंदर देखो मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्रोडक्ट कर रहे हो, तो इसके अंदर आपको जो एक्सपोनेंट का जो रूल्स हैं उनको भी फॉलो करना है, उनका भी यूज करना है। तो देखो उसके अंदर क्या करेंगे हम, एक्स मल्टीप्लाई एक्स करेगा यहाँ पे, एक्स की एक्स के साथ, प्लस एक्स मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, बी के साथ। तो एक्स इंटू बी, किसका साइन है बीच में, प्लस का साइन है। ऐसे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ए की मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स के साथ, ए एक्स प्लस ए करेगा किसके साथ, बी के साथ, ए बी। ये हमारे पास एक्स पे यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद देखो बेटा इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए हम ये देखो x मल्टीप्लाई x कर रहा है यहाँ पे। एक्सपोनेंट का जो फर्स्ट जो रूल है आपका, फर्स्ट रूल क्या है कि उसमें क्या बताया था, बेस सेम होता है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो हमारे पास क्या आएगा, x की पावर 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। अब देखो ये दोनों जो टर्म है, इन दोनों टर्म में हमारे पास जो x है, दोनों में हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन का मतलब जैसे आप लेते हो, जैसे आपने ये ले लिया ए एक्स प्लस बी एक्स दे रखा है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या हमारे पास बच गया, ए किसका साइन है, प्लस, यहाँ क्या बच गया, बी। तो ये टर्म आ जाएगा हमारे पास एक्स इंटू ए प्लस बी, और लास्ट में क्या बच गया हमारे पास, प्लस ए बी। ये जो आपकी है फर्स्ट जो आइडेंटिटी है वो क्या है कि
एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इसके अंदर एक्स क्या है दोनों में सेम है, ए और बी की वैल्यू हमें अलग अलग दे रखी मिलेगी। इस आइडेंटिटी को जब हम प्रूफ करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी की वैल्यू को दोनों का सम करते हैं और ए और जो बी की वैल्यू दे रखी है उनकी प्रोडक्ट उनको ऐड करते हैं। तो जैसे हम इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसका, तो फर्स्ट जो आइडेंटिटी का यूज करेंगे इसके अंदर, तो देखो जैसे हमने ले लिया x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू, ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। यहाँ देखो ये तो a हो गया, ये हमारा क्या हो गया b हो गया, ये x था ही सेम, तो इसके अंदर यूज करेंगे। तो इसको देखो हमने किस आइडेंटिटी के अंदर यूज पुट करना है, इस आइडेंटिटी के अंदर यूज पुट करना हमें x की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू। देखो x की वैल्यू क्या है, हमारे पास x ही है, x की पावर 2, यहाँ देखो x की वैल्यू x, अब a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 3 दे रखा है, ब्रैकेट 3 प्लस का साइन है प्लस, b की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है प्लस 2, 3 प्लस 2 कर लिया प्लस, अब a और b की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट दे रखी है तो 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे ये दोनों आपस में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इन दोनों को देखो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 2 करेंगे कितना आएगा 5x प्लस 3 2 जाए कितना हो जाएगा 6, तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आ गया ये, तो इस प्रकार से आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है। तो इसके बाद हमारे पास सेकंड जो आइडेंटिटी आती है वो आइडेंटिटी क्या है, देखो इसके अंदर देखो फर्स्ट में तो दोनों ही हमारे पास एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी था, अब बट सेकंड जो आइडेंटिटी है हमारी उसके अंदर हम क्या करते हैं x प्लस ए की वैल्यू नेगेटिव कर लेते हैं, एक की जगह किसका साइन आ गया भाई नेगेटिव ले लिया हमने, b की वैल्यू नेगेटिव ले लिया। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे वही तरीका है जैसा आपने फर्स्ट आइडेंटिटी को एक्सप्लेन किया था, तो इसके अंदर क्या करेंगे x जो है आ गया मल्टीप्लाई x माइनस बी प्लस किसका साइन इसके साथ, इस ब्रैकेट को लेके चलेंगे प्लस का साइन है a मल्टीप्लाई x माइनस बी, ये ब्रैकेट एज इट इज रखेंगे, एक ब्रैकेट को एज इट इज रखेंगे, एक ब्रैकेट की जो भी फर्स्ट टर्म है वो इसके साथ मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म उसके साथ, बीच में जिस इस ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होगा उसी साइन का हम यूज करेंगे। तो देखो इसके अंदर हमारे पास फिर से इसको सोल्व करते हैं, हमें वही चीज़ें याद रखनी है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बात, तो x मल्टीप्लाई x, x की x के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसके बाद किसका साइन है माइनस, x किसके साथ करेगा b के साथ भी प्रोडक्ट करेगा, किसका साइन बीच में प्लस, a की फिर से मल्टीप्लाई करवाते हैं ax माइनस ए बी। अब इसको फिर से सोल्व करते हैं, देखो आपको इस पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का जो रूल्स था फर्स्ट कि भाई बेस सेम होते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो पावर्स ऐड करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 माइनस एक्स बी प्लस ए एक्स माइनस ए बी। तो अब देखो इसके अंदर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, ऐसे भी लिख सकते हो, राइट कर सकते हो ए एक्स माइनस बी एक्स, फिर से वही काम करना आपको x कॉमन ले लेना है इसमें से, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास a माइनस बी, तो यहाँ पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस x कॉमन ले लिया हमने, तो इसके अंदर देखो आपने आगे लिया है तो इसमें प्लस का साइन आएगा x, यहाँ क्या जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी माइनस ए बी माइनस ए बी, उसी प्रकार से जैसे आपने एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल इसके अंदर आप पुट कर सकते हैं, जो भी जैसे x प्लस 3 था x माइनस 2 ले सकते हैं, वही एग्जाम्पल उसके अंदर इस आइडेंटिटी के अंदर आप पुट कर सकते हो, भाई a की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे 3, b की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे 2 जो दे रखी है हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है आपकी जो थर्ड आइडेंटिटी आती है उसका देखो यूज, उसमें देखो आपको इन्हीं में यही करना है, थर्ड के अंदर क्या है आपके पास, थर्ड में आपको a को नेगेटिव कर लेना है और क्या करेंगे b क्या आ जाएगा पॉजिटिव x प्लस बी, सिर्फ साइन चेंज हो जाते हैं बट जो बातें हैं वो सेम रहेंगी सारी, जैसे x
इस ब्रैकेट का फर्स्ट रखेंगे, ये ब्रैकेट एज इट इज मल्टीप्लाई करेगा x प्लस बी, किसका साइन है बीच में माइनस है तो माइनस लगा लेंगे a, देखो माइनस आ रहा था इसको एज इट इज ब्रैकेट के अंदर डाल दो x a मल्टीप्लाई x प्लस बी, ठीक है इसको सोल्व करेंगे। अब x की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर फिर से वही 2 हो जाएगी प्लस एक्स भी हो जाएगा, माइनस है तो माइनस है तो बाहर माइनस साइन है तो आप क्या करते हैं ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। अब जो a है ये x से मल्टीप्लाई करेगा तो ए एक्स प्लस ए बी, अब क्या करेंगे इसके अंदर ये माइनस अंदर ले जाते हैं। देखो बेटा आपको बताया था कि अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस होती है तो माइनस जो होती है वो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज करती है, क्या कर देती है उसके ब्रैकेट के साइन चेंज कर देती है। अगर आपके दोनों ही प्लस के हैं या जितने भी प्लस के हो या माइनस के हो तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाले तो माइनस, माइनस वाले प्लस के अंदर, तो यहाँ पे आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी, माइनस का हो जाएगा ये ए एक्स और ये माइनस इसको भी क्या कर देगी फिर से, देखो इसके आगे कोई साइन नहीं था इसका मीनिंग इसके आगे किसका साइन है पॉजिटिव है प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था ये भी किसे माइनस हो जाएगा ए बी आ जाएगा। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लिया बी माइनस ए माइनस ए बी। अगर इस आइडेंटिटी का भी अगर आप कोई एग्जांपल लेके देखते हैं तो देखो एग्जांपल हमारे पास जो आएगा वो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया एक्स माइनस टू एक्स प्लस फाइव, ठीक है तो इस एग्जांपल को आपको आइडेंटिटी थर्ड के अंदर यूज़ करना है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा पुट, ए की वैल्यू माइनस टू है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे फाइव है, ये पुट कर लो जो आपकी आइडेंटिटी क्या थी आपकी आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस रखो एक्स, यहाँ क्या था बी माइनस ए था माइनस ए बी, ये वैल्यू ये आपकी आइडेंटिटी थी। तो इस आइडेंटिटी में हम वैल्यू रख लेंगे, देखो एक्स तो है सेम है हमारे पास तो एक्स की पावर तो टू रहेगी प्लस एक्स का एक्स बी, बी की वैल्यू क्या है अब हमारे पास बी की वैल्यू फाइव है, फाइव माइनस ए की वैल्यू कितनी है टू है, फाइव माइनस टू रख लेंगे और माइनस कितना है फाइव मल्टीप्लाई टू। अब देखो इसको सोल्व करते हैं एक्स की पावर टू प्लस एक्स एज इट इज फाइव में से देखो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे फाइव में से टू जाएगा कितना बचेगा हमारे पास थ्री बचेगा, कितना बचेगा थ्री माइनस फाइव टू जाए कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास टेन। तो इस प्रकार से इसको आगे सॉल्व इसकी मल्टीप्लाई करवा दोगे तो x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 10 ये आपका आंसर होगा, ये आपकी आइडेंटिटी आपने यूज की है। तो लास्ट जो इसमें फोर्थ जो आइडेंटिटी होती है वो आइडेंटिटी क्या है उसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू दी, देखो अभी तक आपने जो वैल्यू ली है वो एक बार ए को नेगेटिव ले लिया एक बार बी को नेगेटिव ले लिया और एक बार दोनों ही पॉजिटिव थे फर्स्ट में, तो फोर्थ में हम क्या करते हैं दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं ए माइनस बी एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। अब इसके अंदर वही रूल्स लगाएंगे जैसे x मल्टीप्लाई करेगा किस इस ब्रैकेट को एज इट इज रखेंगे x माइनस बी, किसका साइन है माइनस का साइन है माइनस लगा लेंगे और उसके बाद a है हमारे पास a मल्टीप्लाई करेगा x माइनस बी के साथ, उसके अंदर देखो x की मल्टीप्लाई करते हैं x मल्टीप्लाई x होगा x किसके साथ माइनस बी के साथ करेगा तो b मल्टीप्लाई x आ जाएगा हमारा। अब ये देखो फिर से इसके बाहर माइनस है तो इसको आप फिर से किसके अंदर रखो ब्रैकेट के अंदर डाल दो, a की मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ x के साथ, a की मल्टीप्लाई करवाएंगे x से a मल्टीप्लाई x, a की मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे b के साथ तो a मल्टीप्लाई b। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा x की पावर 2 माइनस क्या आ गया bx, अब ये माइनस फिर अंदर जाएगी माइनस अंदर जाएगी तो फिर से अंदर के साइन चेंज करेगी ब्रैकेट के और ब्रैकेट के साइन चेंज इसके आगे किसका साइन है पॉजिटिव प्लस का साइन है क्या हो जाएगा नेगेटिव का ए एक्स हो जाएगा, ये माइनस का था ये किसका हो जाएगा प्लस का ए बी। अब इसके अंदर देखो दोनों ही वैल्यू नेगेटिव में है तो हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस हमने कॉमन ले लिया इस ब्रैकेट में, देखो दोनों ब्रैकेट के साथ माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स है
तो इन दोनों में से हमने एक तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते एक एक्स दोनों में शामिल है। देखो कॉमन निकालने का अर्थ वही है जो दोनों में शामिल होता है, तो एक्स दोनों के साथ है तो एक्स हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा हमारे पास बी प्लस ए लिख सकते हो या ए प्लस बी लिख सकते हो, एक ही बात है वो। माइनस क्या ले लिया हमने कॉमन एक्स, और यहाँ बच जाएगा ए प्लस बी या बी प्लस ए को कैसे भी राइट कर सकते हो आप भाई, 2 प्लस 3 कर दो या 3 प्लस 2 कर लो, आपका आंसर क्या आएगा 5 आएगा, a मल्टीप्लाई बी। और ये आइडेंटिटी आपकी लास्ट जो आइडेंटिटी थी भाई, जब दोनों की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है तो वो आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, x की पावर 2 माइनस एक्स ब्रेकिट रहेगा a और b की वैल्यू को ऐड करेंगे प्लस a मल्टीप्लाई बी। और उसके बाद हमारे पास ये चार आइडेंटिटी थी जिनका हम यूज करेंगे, बट आगे जो आपकी आइडेंटिटी आती है एक, देखो वो आइडेंटिटी क्या होती है, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, जो ट्राइनोमियल जो टर्म है उनका स्क्वायर करना, ये एक आइडेंटिटी आपकी। ठीक है, ये आइडेंटिटी क्या है आपको, जो स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल टर्म, ट्राइनोमियल टर्म जो है उनका स्क्वायर करना है। तो बेटा ये जो आइडेंटिटी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।